बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, जय बाबा रामदेव, जय बाबा राम सापीर। आप देख रहे हैं जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा, कुमारों की ढाणी, उग्रास, जिला फलोदी, राजस्थान। इस जगह बाबा रामदेव जी के मेले एवं अन्य समय पर भी बड़ी दूर दूर से बाबा रामदेव के पैदल यात्री, अपने वाहनों से आने वाले यात्री यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रात्रि विश्राम, स्नान, ध्यान, दवा वगैरह, और यहाँ पर आरती का आनंद लेते हैं, चाय पानी का आनंद लेते हैं और उसके पश्चात बाबा रामसा पीर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाबा रामसा पीर के मेले के अवसर पर भादवी मास में यहाँ पर अपार जन समूह है, भक्तजन आते हैं और जैसा कि हमने कहा यहाँ विश्राम करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, भोजन लेते हैं, चाय पानी पीते हैं, अपनी दवा लेते हैं और फिर बाबा के लिए प्रस्थान करते हैं। ये देख रहे हैं आप सुंदर दृश्य, ये सुंदर दृश्य है जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा सीकर वालों का। ये संपूर्ण परिसर बिल्कुल हर जगह से आने वाले यात्रियों के लिए यहाँ पर उस समय खुला रहता है और यहाँ पर आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। काफी समय से यहाँ पर एक समस्या हमें नजर आ रही थी और वो समस्या यात्रियों के लिए थी। यात्रियों के लिए यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। पहले भी विचार तो किया था लेकिन अक्सर हमने देखा कि ऐसी जगह पर शौचालय बनाने पर यात्री उसे साफ नहीं करते, सफाई से छोड़ करके नहीं जाते, तो ये हो भी नहीं सका था। अब बाबा की कृपा से यहाँ पर सुलभ शौचालय का निर्माण हो रहा है। सुलभ शौचालय के अंतर्गत यहाँ पर 16 शौचालय बनाए जा रहे हैं और पेशाब करने के स्थान भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो ये देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ का जो अभी निर्माण कार्य है वो किस तरह से चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर और उसी के साथ में ये आप देख पा रहे हैं निर्माण कार्य। ये निर्माण कार्य हो रहा है जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा सीकर वालों के यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं कि ये लैट्रिन बनाए गए हैं, यहाँ पर 16 लैट्रिन बनाए गए हैं सुलभ शौचालय के लिए। आप देख पा रहे हैं अभी दोपहर का समय है, हमारे जो कारीगर हैं वो विश्राम कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ये सब निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये देखिए ये सुलभ शौचालय बन रहा है यहाँ पर और कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा और जब भी बाबा का मेला होगा, पैदल यात्री यहाँ पर आने लगेंगे, उस टाइम तक ये आपको तैयार मिलेगा। पहले जब यात्री आया करते थे तो उन्हें जंगल में ये शौचालय के लिए जाना पड़ता था लेकिन अब ये यहाँ पर किया जा रहा है निर्माण कार्य। दिन रात 24 घंटे चलने वाले इस राम रसोड़े के लिए ये एक आवश्यकता थी। तो आप देख पा रहे हैं ये बन रहा है सुलभ शौचालय। जब भी यहाँ पर यात्री आएंगे और उनको शौचालय की आवश्यकता पड़ेगी तो अब इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत बड़ा परिसर है और आप सभी ने जिन्होंने देख रखा है उन्हें पता है कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, निशुल्क होती है सुविधाएं। लेकिन बंधुओं, इसके लिए जो अभी सुलभ शौचालय बन रहा है, जी हाँ, उसके लिए एक चार्ज निश्चित किया गया है। वो चार्ज आप स्वीपर को देना पड़ेगा, सफाई करने वाले को, और उसके बाद में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यात्रियों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का एक ध्येय है हमारा, इसे राम रसोड़ा वालों का, सीकर वालों का, और उस ध्येय की पूर्ति करते हुए ही यहाँ पर ये सुलभ शौचालय बनाया जा रहा है। यहाँ पर स्नान की पहले से ही व्यवस्था है। ये देखिए बहुत सारी टूटियां लग रही है, जो भी यात्रीगण आते हैं वो सभी यहाँ पर स्नान वगैरह करते हैं। इसी के साथ साथ देखिए ये दिख रहा है आपको, जो ये टूटियां लगी हुई, इसी के पीछे माता बहनों के लिए अलग से स्नान घर की व्यवस्था है। बहुत सुंदर ये देख पा रहे हैं आप परिसर, और यहाँ पर पूरी एक टीम लग जाती है, पूरा औषधालय खुल जाता है उनकी दवा के लिए, उनके रोग के निदान के लिए। उनमें किसी को बुखार हो, जुकाम हो, चाहे कहीं पर चोट आई हो, उसके लिए यहाँ पर एक औषधालय का भी संचालन किया जाता है। जी हाँ, यह है ग्राम उग्रास, कुम्हारों की ढाणी, जिला फलोदी पर स्थित है ये जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा सीकर वालों का। सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं उनके लिए नाच गाने की व्यवस्था, अर्थात वो आकर के बाबा को रिझाने, बाबा को मनाने अपनी ओर से नृत्य वगैरह भी करते हैं। डीजे भी यहाँ पर उस दौरान लगा रहता है। इस तरह 5 खन वाली थाली में यहाँ पर भोजन दिया जाता है दोनों समय। और ये विशाल यह भंडारा जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा भी खाना बनाया जाता है, यहाँ पर 1100 रोटी
एक साथ बनती है एक घंटे में, ऑटोमेटिक मशीन भी है, संपूर्ण व्यवस्थाओं से परिपूर्ण ये राम रसोड़ा सीकर वालों का। जी हाँ भक्तों, भक्तों, सनातन प्रेमियों, तो आपके लिए जो भी यात्री आते हैं उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था तुरंत ही शुरू की जाएगी, कुछ समय बाद में ही शुरू की जाएगी। साथ ही एक निवेदन और है, जो भी भामाशाह जो भी सहयोग करता है वो हमें 65 किलोवाट का एक जनरेटर की आवश्यकता है, साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता है। कृपया कोई दानदाता, कोई सहयोगदाता सहयोग करना चाहे तो अंकित नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था है, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी है और यहाँ पर ये ठंडा पानी भी उपलब्ध होता रहता है भंडारे के दौरान, जब भंडारा चलता है। और यात्री वैसे अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, विश्राम करते रहते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं जो हमने बताई है वो जब भंडारा 27 दिन का भंडारा चलता है उसके दौरान जितने भी यात्री आते हैं उन सबको ऐसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होती है। ये बहुत बड़ा आपको टीन शेड दिख रहा है, यहाँ पर भोजन व्यवस्था होती है, सभी यहीं पर यात्री बैठ करके भोजन प्राप्त करते हैं, प्रसादी प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सुंदर परिसर, सुंदर नज़ारा, बाबा रामदेव, जय बाबा रामदेव, राम रसोड़ा सीकर वालों का, जो कि कुमारों की ढाणी उग्रास पर स्थित है। कच्चे मार्ग से पैदल आने वाले या और दूसरे मार्गों से पैदल आने वाले, सांवरी से आने वाले, खारा से आने वाले, और जो बड़े दूर दूर से जैसे मध्य प्रदेश से और उसी के साथ से महाराष्ट्र से भी यात्री यहाँ पर पैदल आते हैं, उन सबके लिए ये सुविधाएं कर रखी हैं। इस जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा से रामदेवरा मात्र 22 किलोमीटर है और दर्शनीय स्थलों में पंच पीपली यहाँ से 10 किलोमीटर है, बीरम देवरा यहाँ से 18 किलोमीटर है। आप देख पा रहे हैं सभी सुविधाओं से सुसज्जित ये जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाबा रामसा पीर का बहुत ही सुंदर मंदिर भी है, जहाँ पर सुबह शाम आरती होती है, हजारों की तादाद में भक्तजन यहाँ पर आरती में सम्मिलित होते हैं। जय बाबा रामदेव, जय बाबा रामसा पीर, देख पा रहे हैं आप, ये है बाबा रामसा पीर का मंदिर, यहाँ पर सुबह शाम विशाल आरती का आयोजन किया जाता है। जय बाबा रामदेव, जय बाबा रामसा पीर, आप सुंदर मंदिर के कर रहे हैं दर्शन। बहुत सुंदर मंदिर है और यहाँ पर सुबह और शाम आरती होती है, भक्तजन जो भी यहाँ पर आते हैं भक्तजन वो आरती में सम्मिलित होते हैं। बहुत दफा तो यहाँ पर आरती में करीब 800-900 आदमी या भक्तजन एकत्रित हो जाते हैं और घंटा घड़ियाल के साथ में बहुत लंबी आरती होती है बाबा के दरबार में। जय बाबा रामदेव, जय बाबा रामसा पीर, जय बाबा रामदेव। जी हाँ बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों, तो आपके वो ये खुशखबरी दी जाती है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय का निर्माण लगभग होने को तैयार है। साथ ही साथ हमने एक अपील की है, उस अपील का भी ध्यान रखिए, यहाँ पर 65 किलोवाट का एक जनरेटर की आवश्यकता है। जो भी भामाशाह है, जो भी भक्तजन, जो भी सहयोगकर्ता ऐसा सहयोग संपूर्ण रूप से कर सकता है तो कृपया दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपने अभी तक जो भी परिसर देखा है और इसमें जो सुविधाएं देखी हैं, आप भक्तजनों के सहयोग से ही ये सुविधाएं प्राप्त हुई है, तो अतः हमारी विशेष अपील, जी हाँ विशेष अपील हमारी जनरेटर के लिए है, तो उसके बारे में आप संपर्क कीजिए और एक पुण्य का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूर्णमल पारिक जवान भाई आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जब भी यहाँ पर मेला लगे और जब बाबा का मेला लगता है तब यहाँ पर हजारों की तादाद में भक्तजन आते हैं, आप भी आइए और कभी यहाँ के दर्शन कीजिए और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था होती है उसका जायजा भी आप आकर के ले सकते हैं। राम रसोड़ा सीकर वालों की एक संपूर्ण टीम है, भाई श्री राम जी, उनका परिवारजन और सभी भक्तजन यहाँ पर आकर के सेवाएं देते हैं। हमारे सीकर से ही हम यहाँ पर हलवाई वगैरह, कारीगर वगैरह लेकर के आते हैं खाने के लिए और ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। तो आप हमारी अपील पे अवश्य गौर कीजिए, आपको नंबर इसी में अंकित कर दिए जाएंगे। जो भी आप कोई सहयोग करना चाहे, विशेष करके हमने 65 किलो वाट जो जनरेटर की बात कही है, साइलेंट जनरेटर की, उसके संबंध में आप भाई श्री राम जी या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं।
जय बाबारी, जय बाबारी, जय बाबा राम सापीर, जय बाबा रामदेव, जय बाबा रामदेव।